मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा भाई अमेरिका से आने वाला है। अच्छा, जो आपका छोटा भाई है? हाँ हाँ, पूरे 7 साल के बाद आ रहे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, आपका भाई 7 साल के बाद आ रहे। वैसे वो रहेगा कहाँ पे? वैसे मुझे तो उसे यहीं पे रुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हमारी हवेली का तो हाल पता ही है। जी भाई, आपकी बात तो सही है। वैसे वो आने कब वाला है? रात को आने वाला है। ठीक है भाई, अभी मैं चलता हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना भाई। वैसे मैं आ तो कल ही गया था रात को ही, पर मैंने सोचा मैं आपको रात को कहां पर परेशान करूं, तो इसलिए मैं अपनी जो पुरानी हवेली है ना, वहां पर ही ठहर गया। हैं? तुम वहां कैसे गए? पागल हो क्या तुम? पुरानी हवेली तुम वहां पे ठहरे थे? तुम क्या पागल हो? नहीं भाई, ऐसा क्या है उस हवेली में जो आप मुझे अभी इतना डांट रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है इस हवेली की मंजुलिका की वजह से कितने हमारे खानदान के लोग चल बसे। पर मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है उसका, तो अभी छोटे हो, तो अभी आयता के बाद उस हवेली में पैर भी मत रखोगे तुम। सही कह रहे हैं आप। हाँ, और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, वैसे अब तुम्हारा दोस्त किधर है? वो तो आने वाला था ना। हाँ, वो थोड़ी देर में कॉल करेगा, उसे मैं थोड़ी देर में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उसको बुलाओ। बस आ रही, 2 मिनट में अटेंड करके आ रहा हूं। चलो। और क्या बोला उसने? वो आ रहा है, बस मैं उसे लेने जा रहा हूँ। सही है भाई, मैं जाओ जाओ। तुम्हारा भाई का है? वो रहा। ये तुम्हारा दोस्त है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा नाम? मेरा नाम हसन है। बैठो बैठो भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक आप इससे बात करो। ठीक है। वैसे तुम काम क्या करते हो? मैं अमरीका का जाना माना साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट? वाओ यार, असली अभी देर हो गई है, मेरे को लगता है अभी जाके हमें सोना चाहिए। ठीक है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने घर में तुम्हारा कमरा बता देता हूँ। आपके घर? हम आपके घर नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहोगे? हम उस हवेली में रहेंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तुम्हें कभी जिंदगी में वहाँ जाने नहीं दूंगा। तुम्हें वहाँ की मंजूरी का पता है, फिर भी तुम वहाँ जाने की जिद क्यों करते हो मुझसे? मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं फिक्शनल कहानियों पे यकीन नहीं करता। तुम गांव वालों ने ये फिक्शनल कहानियां बना के एक एंटरटेनिंग स्टोरी बनाई हुई है। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। अच्छा तो तुम वहाँ जाना चाहते हो? ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, और एक और बात सुनो। और अपने साथ किसी एक दोस्त को लेके जाना। अस्सलाम। रुको, इसको अपने साथ लेके जाओ, हैदर भाई को। अच्छा तो ये है उनकी हवेली। हाँ, इसे ही कहते हैं। और इनमें से एक कमरे में मंजुलिका बंद है। अच्छा चलो देखते हैं। ये ऐसी किस चीज की? नहीं खोलो, हट जाओ, ये तावीज है। किस चीज का तावीज? इसमें मंजुलिका है। इस कमरे में 18 साल से मंजुलिका बंद है। अभी इसको हाथ भी मत लगाना। आ जाओ मेरे पीछे। डरने वाले आदरा अबे यार, मैं एक बात कब से सुन रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़े होते आलीशान होते, ये कैसा मैल है यार इतना छोटा? यार ये भी मैल बहुत आलीशान था जब मैं छोटा था 18 साल पहले। ये भी मैल वैसा ही आलीशान होता था। पर मंजुलिका की आत्मा ने उसको वैसा नहीं रहने दिया। वैसे ये मंजुलिका है कौन? ये तो आज तक हमें हमारे बड़ों ने सही से नहीं बताया, पर इस चक्कर में हमारे खानदान के 18 लोग अभी तक मर चुके हैं। इस बात को छोड़ो, अभी बहुत रात हो गई है, अभी हमें सोना पड़ेगा। कब से राफे राफे बात सुनो, राफे उठो बस उठो तो सही यार। या यार, इतनी रात को क्यों उठा रहे हो? हाँ यार बताओ, इतनी रात को? अबे यार मैं कब से बेचैन हो रहा हूँ यार, हमें उस दरवाजे को चेक करना चाहिए यार। खोलो जिसमें मंजुलिका बंद है। हाँ अबे यार, ये इस वक्त मजाक मत करो यार। यार मजाक नहीं करा, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं सीरियस में बोल रहा हूँ। अगर हमने खोल दिया ना, और ये बात मेरे बड़े भाई को पता चल गई ना, इस वक्त से हम तीनों इधर पहुंचेंगे, बल्कि हम दो ये तो सोना है, हम चल के दरवाजा खोल देंगे। पर यार उस दरवाजे को खोलने के लिए तो चाबी चाहिए ना, वो तुम्हारे पास कहाँ से आई? एक चाबी वाले को जानता हूँ ना, मैं उससे मंगवा लेता हूँ चाबी। ठीक है तो मंगवा, जब तक मैं और बात करता हूँ।
सुनो चाबी मिल गई, चलो आ जाओ दरवाजे। चाबी ली थी वो मर चुका है। अभी क्या होगा? अभी तक ये तुम्हारी बच्चों वाली बातें, उसे कुछ भी नहीं हुआ, पहले ही उसे लिवर की बीमारी थी और वो उससे ही मर गए हैं। तो मैं अभी तक बात पर यकीन नहीं हुआ ना, जब तुम्हें मंजुलिका खुद नजर आएगी ना तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था वहाँ मत जाना, तुमने बहुत बड़ी गलती की।